भजन संहिता 40 अध्याय का 16 17 वचन, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलंब न कर। परमेश्वर की महिमा हो। सारे परिस्थिति में दाऊद ने परमेश्वर की महिमा की। उन्होंने ऐसे प्रार्थना की, प्रभु की महिमा होने पाए। भविष्य को परमेश्वर नियंत्रण में लिया है। वो मंदिर से लौटा और परमेश्वर से विनती की। सब बातों में परमेश्वर की महिमा के लिए वो काम करता है। ऐसे जब परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारा भविष्य को वो नियंत्रण में लेता है। 17 वचन में लिखा है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, मेरे परमेश्वर विलंब न कर। दाऊद का भरोसा ये है, परमेश्वर मेरे छुड़ाने वाला है, मेरी सहायता करता है, मुझे तसल्ली देता है, मेरे आगे आगे वो चलता है, मेरे लिए सारे कार्य को वो करता है, सारे मार्गों को प्रभु ठीक करता है। परमेश्वर कहता है सारे मार्गों पर यदि परमेश्वर को पर भरोसा रखेंगे तो सारे रुकावट को परमेश्वर बदलेंगे, आपका भविष्य को परमेश्वर उज्जवल रखेंगे। यदि परमेश्वर भविष्य को देखेंगे तो युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। सभी बातों में परमेश्वर को भरोसा रखना है। आपका परिस्थिति क्या है, परमेश्वर के पास लाएंगे, भविष्य को वो देख लेगा। भविष्य के बारे में इतना चिंता करते हैं, अपने बल को हम खो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता भविष्य परमेश्वर के पास है, भविष्य को वही बनाता है, भविष्य के लिए हमें वही तैयार करता है। हमारे सिर के बालों को प्रभु गिन कर रखा, उसके मर्जी के बिना वो नीचे गिरता नहीं। जंगली चिड़ियों से आप विशेष है। भविष्य के बारे में ये चिंता करते हैं, मेरे बीमारी क्या होगा, मेरे बच्चों की भविष्य क्या होगा, इसी में बहुत चिंता में डूबे हुए हैं ना। मेरे कर्जा में मैं इतना डूब रहा हूँ, मेरा परिवार कैसे होगा, मेरे परिवार की भविष्य क्या होगा, ये सारी बातों को परमेश्वर के पास आके परमेश्वर का महिमा करना है। भविष्य परमेश्वर देख लेगा, वो अद्भुत काम करेगा, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, वो विजय को देगा, कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया।